हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वे देखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इन गड्ढों का क्या उपयोग है? अपने भिक्षु का प्रश्न सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है, जिसके कारण किसी ने ये गड्ढे पानी की खोज में खोदे हैं। बुद्ध का उत्तर सुनते ही वह भिक्षु दौड़कर जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उसे पानी की एक बूंद नहीं मिलती। वह बुद्ध के पास वापस आ उनसे पूछता है, परंतु बुद्ध, इनमें तो पानी है ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां दूर लोगों की भीड़ जाती दिख रही है? वह भिक्षु कहता है, हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, वे सभी लोग यहाँ से बहुत दूर एक नदी है, वहां से पानी लेने जा रहे हैं। बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास जमीन में पानी नहीं है? बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, परंतु इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। वह भिक्षु कहता है, मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, ये गड्ढे देख रहे हो, ये सभी गड्ढे पानी की खोज में खोदे गए हैं, परंतु एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, परंतु सही दिशा में नहीं किया गया। अगर ये गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये पानी तक अवश्य पहुंच जाते। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, वह एक समय में 100 दिशाओं में भागता है और पहुंचता कहीं नहीं। अगर मनुष्य अपने मन को एक दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा, परंतु बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। आपकी असफलता का कारण आपका मन है। आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना है। आपका इसे किसी एक दिशा पर केंद्रित ना कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें।